मॉर्निंग वालों को आज की जो हमारी क्लास है वो रहेगी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं डिफेंस मैकेनिज्म इन रेफरेंस टू फाइटर एग्जाम। ठीक है, इसके बारे में पढ़ने वाले। हिंदी मतलब क्या होता है इसका? तो हिंदी मतलब होता है इसका प्रतिरक्षा क्रिया। क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब क्या है? प्रतिरक्षा क्रिया। ठीक है, प्रतिरक्षा क्रिया इन उत्पन्न करते हैं पोषक पदार्थों में।
में जो है तीन ऐसी चीज़ें हैं, एक तो आपका क्यूटिकल हो गया, एक आपका न्यूट्रिएंट हो गया, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे। क्यूटिकल जो है पौधे को रासायनिक दोनों प्रकार से जो है उसको डिफेंस करने की कोशिश करता है, अवरोध करने या प्रतिरोध करने की कोशिश करता है और करता भी है। और दूसरा है सब्सटेंस इन प्लांट्स, इनहेबिटरी सब्सटेंस, पौधों में अवरोधक पदार्थ। अब दूसरा आता है पोस्ट इन्फेक्शनल डिफेंस, पोस्ट इन्फेक्शनल ऑफ एक्टिव डिफेंस, पोस्ट मतलब बाद में यदि नए टॉपिक के बारे में जो है वो डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही जो है वो रखेंगे।